new chapter, chapter 2, addition and subtraction. Okay, this chapter में हम क्या करेंगे? Addition और subtraction करना सीखेंगे. So, let's start our chapter 2. So, my dear students, this is our exercise 2.1. Okay, now our first question of this exercise is fill in the blanks. Okay, आपको यहाँ पर कुछ fill in the blanks दिए हुए हैं, उन्हें हमें complete करना है. Okay, हमारा first question है, the numbers to be added are called dash. जो numbers add किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, ये जो numbers होते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जिसे यहाँ पर ये दो नंबर दिए हुए हैं, उनके बीच में प्लस का साइन दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, इनको क्या कहा जाता है? एडेंट कहा जाता है. दैट मीन्स कि ये जो नंबर्स होते हैं जिनको ऐड करना होता है, हमें इन नंबर्स को क्या करना होता है? ऐड करना होता है. तो इन नंबर्स को क्या कहा जाता है? एडेंट कहा जाता है. ओके, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? एडेंट्स. ओके, द रिज़ल्ट ऑप्टेंड आफ्टर एडिंग इज कॉल्ड. और इन दोनों नंबर्स को जोड़ने के बाद जो रिज़ल्ट यहाँ पर हमें मिलता है, ठीक है, ये जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद जो नंबर्स हमें यहाँ पर मिलता है, जो फाइनल रिज़ल्ट हमें मिलता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? सम कहा जाता है. ठीक है, इनका टोटल जो योग होता है, इनको जो जोड़ने के बाद हमें जो आंसर मिलता है, उसे क्या कहा जाता है? सम कहा जाता है. ओके, तो द रिज़ल्ट ऑप्टेंड आफ्टर एडिंग इज कॉल्ड सम. नंबर्स को जोड़ने के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है, उसे क्या कहा जाता है? सम कहा जाता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, 41527 प्लस 0. ये यहाँ पर नंबर दे रखा है आपको 41527. उसमें आपको क्या जोड़ने को कहा गया है? ज़ीरो जोड़ने को कहा गया है. तो आपके पास आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज़ीरो को अगर किसी भी नंबर में ऐड किया जाता है, यहाँ पर हमको साइन को ध्यान रखना है कि ऐड करने के बारे में बात हो रही है. ठीक है, अगर ज़ीरो को किसी भी नंबर्स में ऐड किया जाता है, तो आपके पास वही नंबर वापस आ जाता है. ठीक है, ये सिर्फ एडिशन में होता है. ठीक है, अगर किसी भी नंबर्स में ज़ीरो को ऐड करेंगे, तो वही नंबर क्या होता है? वापस आ जाता है. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 41527 में अगर हम ज़ीरो को प्लस करेंगे, तो वापस हमारे पास 41527 आ जाएगा. 41527 हमारा आंसर वापस आ जाएगा. ओके, अब ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13240 प्लस 1751. ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है? यहाँ पर प्लस करके देखना है. अगर आप डायरेक्ट इस तरह से प्लस कर पाएँ, तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख दें. बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप क्या करें, इनको पहले साइड में रफ कॉपी में आप क्या करें, इनको कॉलम के फॉर्म में लिख लें, और देन उसको आंसर फिर उसके बाद यहाँ पर फिल करें. आपको क्या करना है? इसको इस तरह से लिख देना है. ठीक है, 13240 और 1751, आपको इसे इस तरह से लिख देना है. और ये जो नीचे वाला नंबर है, इसे आप पीछे की तरफ से लिखेंगे. ओके, नाउ अब हम इसको प्लस करेंगे. तो ज़ीरो में अभी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि किसी भी नंबर को प्लस करेंगे, तो वापस वही नंबर आ जाता है. तो ज़ीरो में हम वन को प्लस करेंगे, तो क्या आ जाएगा? वन. ओके, फोर में फाइव प्लस करने हैं, तो फोर के बाद फाइव और काउंट कर लें हम. फोर के बाद फाइव प्लस करने हैं हमको. ठीक है, तो फोर के बाद फाइव प्लस करें, तो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. ठीक है, तो क्या आंसर आएगा हमारा? नाइन. टू के बाद सेवन और प्लस करने, तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. ओके, तो क्या आंसर आया हमारा? नाइन. उसके बाद थ्री में वन प्लस करना है, तो थ्री, उसके बाद वन प्लस करेंगे तो फोर, और वन इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो एज इट इज़ लिख देंगे. ठीक है, तो क्या आंसर आ गया हमारा? 14991. तो इन दोनों को प्लस करने पर क्या आंसर मिल रहा है हमको? 14991. ओके, ये हमारा आंसर है. ओके, ये इस तरह से आप बुक में, आपको इस तरह से कोई निशान नहीं लगाना है, आपको इन्हें
रब कर देना है। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए निशान बनाए थे, ओके। तो इस तरह से आपको इनको कंप्लीट करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा एडिशन, ओके। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनका एडिशन आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नंबर्स आपको दिए गए हैं और इनकी प्लेस ऊपर लिखी गई है कि ये जो नंबर इस प्लेस पर लिखे जाते हैं इनको क्या पढ़ा जाता है, वंस, ये टेंस वाले नंबर, ये हंड्रेड वाले, ये थाउजेंड वाले और ये टेन थाउजेंड वाले, ओके। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, आपका जो फर्स्ट नंबर दिया है उसमें टेन थाउजेंड तक की वैल्यू है, सेकेंड नंबर जो आपको दिया है उसमें वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड, सेकेंड नंबर जो दिया है आपको सिर्फ थाउजेंड तक की वैल्यू उसमें है, इसीलिए हमने इसको हमेशा पीछे से लिखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको आगे से लिखते तो ये जो वैल्यू है ये सिर्फ थाउजेंड तक के नंबर टेन थाउजेंड में पहुंच जाते और पीछे जो है वंस वाली प्लेस वो खाली रह जाती, तो इससे हमारा एडिशन गलत हो सकता है, इसलिए हमें नंबर्स को हमेशा पीछे से लिखना है, ओके। नाउ नेक्स्ट नंबर है हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, और जो एक और नंबर है उसमें भी क्या कर रखा है, टेन थाउजेंड तक की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको प्लस करना है। तो फोर है, फोर में टू और प्लस करेंगे तो क्या होगा, फाइव, सिक्स, ओके। देन हमारे पास क्या आ चुका है, अभी सिक्स आ चुका है, सिक्स में हमें और क्या प्लस करना है, टू प्लस करना है, तो सेवन, एट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आंसर आया है, एट आंसर आया है। नाउ फाइव के बाद वन और प्लस करना है, तो फाइव और वन कितना हो जाएगा, सिक्स, सिक्स में वन फिर प्लस करना है तो क्या हो जाएगा, सेवन, तो हमारे पास यहाँ पर सेवन आंसर आ गया। टू, 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 ठीक है। तो टू के बाद टू और काउंट करना है तो थ्री, फोर, एंड देन टू और काउंट करना है तो फाइव, सिक्स, ओके। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, सिक्स आंसर आ गया है। थ्री, थ्री में हम वन प्लस करेंगे तो क्या होगा, फोर, ओके। थ्री के बाद एक और प्लस करना है तो क्या होगा, फोर, और फोर में फिर थ्री प्लस करना है, ठीक है। फोर में फिर थ्री प्लस करना है तो क्या होगा, फाइव, सिक्स, सेवन, ठीक है। तो सेवन, ओके। अब यहाँ पर आपको सिर्फ सेवन और वन दिख रहा है, बीच की प्लेस में कुछ नहीं है, ठीक है। तो सेवन में वन प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एट, ओके। तो ये हमारा फाइनल आंसर हमें यहाँ पर मिल गया है, ओके। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको प्लस करना है, ठीक है। प्लस करना मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो और अभी भी हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से इनको सॉल्व करना है। जितने नंबर्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं उसके आगे उनको काउंट करें, जैसे आपको फोर दिया हुआ है, फोर के आगे टू काउंट करना है तो फाइव, सिक्स, फिर सिक्स हमको मिल गया है तो उसके आगे और टू काउंट करना है तो सेवन, एट। तो इस तरह से आपको आंसर मिलते चले जाएंगे और आपको ज़्यादा काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। वरना अगर आप ऐसे करेंगे कि वन, टू, थ्री, फोर, फिर उसके बाद फिर टू, तो वन, टू, फिर उसके बाद फिर टू, तो वन, टू, अब इसको आप फिर से काउंट करना पड़ेगा, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, तो हमको आंसर वही मिल रहा है। हमको यहाँ पर भी आंसर एट मिल रहा है और यहाँ पर भी आंसर एट मिल रहा था, लेकिन हमको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, फोर के बाद हमको टू काउंट करना है, फाइव, सिक्स, उसके बाद सेवन, एट, हमको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो हम उसके बाद से ही काउंटिंग को स्टार्ट कर दें, फाइव के बाद हमको क्या पता है, फोर के बाद हमको टू और एट करना है, तो फोर के बाद क्या आता है, फाइव आता है और सिक्स आता है, हमको यहाँ पर ये पता है कि ये वन और ये टू होता है, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको इस तरह से आगे बढ़ाते चले जाएं, ओके। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर काउंट करना है, ओके, और इनको ऐड करके लिखना है, ठीक है। तो ये आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है, ओके। नाउ दिस इज़ अवर एक्सरसाइज 2.2, ओके। यहाँ पर भी आपको सिर्फ फोर क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन फोर क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, एडिशन ही करना है, ठीक है। हमको पहले वाले क्वेश्चंस जैसे ही इनको भी सॉल्व करना है। इसमें आपको जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें हो सकता है कि आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़े, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं, ओके। यहाँ पर आपको ये इनकी ऊपर प्लेस दी गई है, ये सारे नंबर वंस वाली प्लेस के हैं, ये टेंस वाली प्लेस के, ये हंड्रेड वाली प्लेस के, ये थाउजेंड वाली प्लेस के और ये टेन थाउजेंड वाली प्लेस के नंबर हमें यहाँ पर दिए गए हैं, ओके। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इनको अपनी फेयर कॉपी में भी लिखना है। नाउ टू, वन, वन, टू के अंदर हमें क्या करना है, वन प्लस करना है, देन वन प्लस करना है तो थ्री, एंड देन
4, ओके 2 के बाद हमने 1 प्लस किया तो 3, फिर 4, ओके तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। 8 है, उसके बाद हमें 2 और काउंट करना है एंड देन 2 और काउंट करना है, ठीक है। तो 8 के बाद 9, 10, 10 हमें मिल चुका है, उसके बाद 2 और काउंट करना है, तो 11, 12, तो 2, 12 का 2 हमें यहाँ पर लिखना है और 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिला है, 8 को 8 में 2 प्लस करने पर 10 आया और 10 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 12, तो 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे और 1 क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ओके। अब आपको क्या करना है, 6 में 3 प्लस करना है तो 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद 3 और प्लस करना है तो 10 11 12, और 12 हमारे पास आ चुके हैं तो 12 हमारा आंसर है लेकिन ऊपर कैरी है, तो 12 में 1 और प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 13 का 3 हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 जो होगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो 4 के आगे हम 4 और काउंट करेंगे तो 5 6 7 8, ओके 8 हमें यहाँ पर मिल गया है। अब 8 के बाद हमको क्या करना है, 4 और काउंट करना है तो 9 10 11 12, फिर से हमें क्या मिला, 12 मिला है और ऊपर से 1 कैरी है तो 12 का क्या हो जाएगा 13 का 3, फिर यहाँ पर हम 1 कैरी कर देंगे और इनको ऐड करेंगे। 2 है, 2 के बाद 5 काउंट करने हैं हमको, 3 4 5 6 7, ओके देन 7 हमारे पास आ चुका है, उसमें फिर क्या प्लस करना है हमें 2 8 9, ओके तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, इन तीनों को प्लस करने पर 9 और ऊपर से 1 कैरी है तो क्या हो जाएगा 10, तो इस तरह से हमें यहाँ पर 10 लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर हमें यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। 10 को हमने पूरा क्यों लिख दिया है यहाँ पर, 10 की 0 लिख के हमने कैरी क्यों नहीं किया, क्योंकि आगे और कोई नंबर है ही नहीं। जब तक हमारे पास नंबर रहता है आगे, हम जो होता है क्या करते हैं, सिर्फ यूनिट प्लेस लिख देते हैं और आगे वाला जो नंबर होता है उसको क्या कर देते हैं, कैरी कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम इस तरह से प्लस करते हैं तो क्या करते हैं, जब भी हमें कोई नंबर मिलता है तो लास्ट में अगर हमें कोई 2-डिजिट नंबर मिलता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर 12 मिला था तो 12 का 2 हमने यहाँ पर रखा और क्या कर दिया, 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर इन सभी को कैरी सहित प्लस करने के बाद हमारे पास क्या मिला, 13, तो 13 का 3 हमने यहाँ पर रखा और 1 आगे क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि अभी आगे नंबर है। फिर हमें यहाँ पर भी इन सबको प्लस करने के बाद क्या मिला, 13 मिला, तो 13 का 3 हमने यहाँ पर रखा और क्या कर दिया, आगे 1 फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि आगे भी नंबर्स थे, ठीक है। इन सबको प्लस करने के बाद हमें क्या मिला, कैरी सहित प्लस करने के बाद हमें 10 मिला, तो 10 के 0 रख के हमने 1 आगे इसलिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया क्योंकि आगे अब नंबर्स ही नहीं हैं, ठीक है। तो जितना हमारे पास आंसर आया वो सब हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो आपको ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो खुद सॉल्व करने हैं, ओके। आपको यहाँ पर देखना है कि अगर कोई नंबर्स में कैरी आ रही है, मतलब कि वो 2-डिजिट का नंबर बन रहा है, तो उसकी 1 डिजिट आप लिखेंगे और 1 डिजिट को क्या कर देंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गॉट अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। नाउ योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट दिस एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 इन योर फेयर कॉपी एंड ऑल्सो राइट सम रिमेनिंग क्वेश्चंस, ओके। ये जो एक्सरसाइज आज हमने समझी है, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2, इनके जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो सब भी आपको फेयर कॉपी में करने हैं, और जो क्वेश्चंस मैंने छुड़वा दिए हैं, जो मैंने नहीं करवाए हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको क्या करना है, आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है, ओके। तो ये सब क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, ओके। थैंक यू।